हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितनी तरह की होती हैं सी में, इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। तो चलिए हम पढ़ते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या है और कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितनी तरह की हैं सी में। तो ये हमें हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तो चलिए जानते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स enable us to specify the order in which the instructions are to be executed by the computer. Control statements वो statements हैं जो एक order specify करती हैं जिस order में computer के द्वारा instructions को execute किया जाता है। Means determine the flow of control in a program. इसका मतलब ये flow of control determine करता है कि कहाँ से हमारा control कहाँ move करेगा program में। There are four types of control statements in C. तो वो कौन सी आपकी four statements हैं control C में? Sequence control statement, decision control statement, case control statement and loop control statement. तो ये हम one by one इनको read करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपका C has three major decision making instructions. C में तीन major decision making instructions हैं। वो है आपकी इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। वी यूज द कंडीशन इन इफ स्टेटमेंट। हम कंडीशन यूज करते हैं किसके अंदर? इफ स्टेटमेंट में। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट एग्जीक्यूट्स इट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर इफ में जो कंडीशन दी हुई है वो अगर ट्रू है तो ये अपने से नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है then it will not execute its next statement. तो अपने से next statement को execute नहीं करता। but if there is else statement, अगर else statement given है then it will go for else statement. तो false होने पे ये कहाँ transfer करेगा cursor को? else statement के अंदर। तो चलिए अब program बना करके हम इनको समझते हैं if conditions में हम कैसे use करते हैं। पहला program है हमारा, छोटा सा एक स्टेटमेंट लिया मैंने इसमें, इंट ए इक्वल टू सिक्स, ए का वैल्यू मैंने सिक्स लिया है। इफ आपने कंडीशन लगाया है यहाँ पे, इफ ए इज ग्रेटर देन फाइव, आपने कहा क्या ए का वैल्यू हमारा सिक्स है, सिक्स पांच से बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, यस अभी सिक्स पांच से बड़ा है, तो अगर ये कंडीशन आपका ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा क्योंकि अपने से नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है कंडीशन ट्रू होने पर। तो ये प्रिंट करेगा पहला परसेंटाइल डी ए के लिए और दूसरा परसेंटाइल डी फाइव के लिए। तो ए का वैल्यू आपका सिक्स, तो ये प्रिंट करेगा आपका आउटपुट क्या आएगा, सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव, ये प्रिंट करेगा। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे हमारा सिक्स की जगह हम थ्री ले लेते सपोज, तो अब ये थ्री ग्रेटर देन फाइव तो कंडीशन फॉल्स हो जाता है। तो कंडीशन फॉल्स होने पे ये प्रिंट नहीं करेगा स्टेटमेंट क्योंकि अपने से नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता, ये कंडीशन ट्रू होगी तभी करेगा। तो ये था आपका एक छोटा स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करेगा। तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव। दूसरा हमारा क्वेश्चन मेन के अंदर बनाना है लेकिन मैंने ये सिर्फ इफ स्टेटमेंट आपको दिखाई है यहाँ पे। If अगर a का वैल्यू हमारा सपोज मान के चलो हम a का वैल्यू ले लेते इंट a इक्वल टू सपोज या फाइव ले लेते। अब हमने कंपेयर किया, इफ a इज लेस देन थ्री कंडीशन देखिए फॉल्स है, a का वैल्यू फाइव है, क्या फाइव थ्री से लेस है? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो अपने से नेक्स्ट वाली में नहीं जाएगा, एल्स में मूव करेगा। तो एल्स के अंदर जो भी होगा उसको प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ एक क्या है आपका फाइव, फाइव इज ग्रेटर, ये मैसेज प्रिंट करेगा फाइव इज ग्रेटर, ए का वैल्यू प्रिंट करेगा फाइव एंड देन इज ग्रेटर, ये आउटपुट आएगा। तो इसमें अगर यहां पे हम ए की फाइव की जगह हम टू ले लेते सपोज, तो ए इज लेस देन टू, यस टू लेस देन है थ्री तो कंडीशन ट्रू हो जाती, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो यहां प्रिंट कर देता टू इज लेस, टू स्मॉल है, लेस है। तो इस तरह से हम ये कंडीशन कंपेयर करते हैं, कंडीशन एग्जीक्यूट करते हैं कि अगर ट्रू होगा तो कहाँ मूव करेगा, फॉल्स होगा तो कहाँ मूव करेगा। नेक्स्ट है आपका नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ आपका क्या है,
विद इन इफ, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट या एल्स के अंदर दूसरा इफ। तो देखिए ये एक प्रोग्राम बनाया मैंने कि प्रिंट करना आपको तीन नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर। तो मैंने यहाँ तीन नंबर लिए हैं और तीन नंबर्स मैंने फिक्स ले लिए, आप इनको स्कैन भी करा सकते हो। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आप विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करके करना है आपको, तो आपको इसी तरह से करना होगा। और इसी प्रोग्राम को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ भी कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करके एक स्टेटमेंट कम हो जाता है, लेकिन अभी हमें विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। इफ़ ए इज ग्रेटर, देखिए तीन हमारे पास वेरिएबल है, तीन वेरिएबल, ए को पहले बी से कंपेयर करेंगे, अगर ये बी से बड़ा होगा तो फिर ए को हम सी से भी कंपेयर करेंगे, अगर इससे भी बड़ा होगा तो ए बड़ा हो जाएगा उसको प्रिंट कर देंगे, लेकिन अगर ए छोटा है बी से तो फिर हम बी और सी को कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए आपका 5 है, बी आपका 10 है, तो 5 ग्रेटर है 10 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो अपने से नेक्स्ट में नहीं जाएगा, एल्स में जंप करेगा और एल्स में देखेगा क्या स्टेटमेंट गिवन है, क्योंकि ए तो आपका बी से बड़ा नहीं है तो ये तो बाहर हो गया आपका। अब बी और सी को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो एल्स में हमने कंपेयर किया इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है, बी आपका 10 है सी आपका 8 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, यस ट्रू है, तो ये प्रिंट करेगा लार्ज नंबर इज बी यानी कि 10, else print f लार्ज नंबर इज सी, नहीं तो क्या प्रिंट करेगा ये कि सी लार्ज नंबर है। तो अभी ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर देगा 10 इज लार्ज नंबर इज 10। अगर सपोज हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे 18 होता, तो देखिए पहला तो ये कंडीशन फॉल्स, ये ए 5 से बड़ा नहीं है तो एल्स में गया। अब बी 10 है आपका, सी 18 है, क्या 10 18 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स में जाएगा और ये प्रिंट कर देगा लार्ज नंबर इज सी यानी कि 18, तो इस कंडीशन में 18 प्रिंट करेगा। अगर हमारा सपोज ए हम 25 ले लेते हैं, अब हम कंपेयर करेंगे 25 इज ग्रेटर देन बी, यस कंडीशन ट्रू है आपका, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अब ए को बी, ए को सी से भी कंपेयर करेगा। इफ ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या ए सी से भी बड़ा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ए आपका 25 है, सी आपका 18 है, यस कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट कर देगा, लार्जेस्ट नंबर इज ए यानी कि 25, तो ये आउटपुट देगा अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो ये था आपका नेस्टेड इफ। ये आपका जो कर्ली ब्रैकेट है ये यहां ना लग करके इसको हम ऊपर क्लोज करेंगे। ये जो इफ के अंदर सेकेंड इफ लगा है तो ये फर्स्ट इफ के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है। देखिए एक इफ स्टेटमेंट हो गया, एक प्रिंट एफ, तो इसको हम यहीं पे क्लोज कर देंगे ब्लॉक को। अगर ये ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएगा। और इस एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स जब आप यूज करते हो किसी भी लूप के अंदर या इफ के अंदर, तो हम वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देते हैं। और अगर वो सिंगल स्टेटमेंट होती है तो बिना ब्लॉक के भी ले लेगा, बिना कर्ली ब्रैकेट्स के भी ले लेता है। तो चलिए एक प्रोग्राम मैंने और लिया है, इसमें हम उसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए ये है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ आप कैसे इफ कंडीशंस यूज करते हो। सपोज हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, इंटीजर S1 S2 S3 S4, ये वेरिएबल लिए मैंने मार्क्स एंटर करने के लिए। फ्लोट एवरेज, एक एवरेज वेरिएबल लिया है। प्रिंट एफ, ये मैंने स्कैन किए नंबर्स। एंटर द नंबर फॉर सब्जेक्ट्स, एंटर किए वैल्यू। एन एफ, एम्परसेंट S1 एम्परसेंट S2 एम्परसेंट S3 एम्परसेंट S4, इनको स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद एवरेज कैलकुलेट किया हमने, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 डिवाइडेड बाय 4 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। जो भी एवरेज आएगा AVG में जाएगा। अब हमें एवरेज कंपेयर करना है। इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, अगर आप एवरेज जो भी आया आपका 60 के इक्वलेंट है या फिर 60 से अबव है तो प्रिंट कर दे फर्स्ट डिवीजन, प्रिंट कर देगा। और अगर कंडीशन ये ट्रू नहीं है तो ये नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा, अब यहां भी चेक करेगा। इफ अगर ये ट्रू होता तो ये प्रिंट कर देता, अब ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो उससे नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में जाएगा। अब यहां फिर देखा इसने, इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है,
अगर ये 50 से अबव और 50 के इक्वलेंट है एंड लेस देन 60 है, क्योंकि इक्वल टू तो आपने ऊपर दे दिया इक्वल और ग्रेटर, तो लेस देन 60 है, यानी कि 50 और 60 के बीच में अगर आपकी परसेंटेज है या एवरेज है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो प्रिंट करेगा सेकेंड डिवीजन। एंड के केस में दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, यानी कि ग्रेटर और 50 से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, और साथ में 60 से लेस होना चाहिए, तभी ये सेकेंड डिवीजन प्रिंट करेगा। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, उससे नेक्स्ट वाली में मूव करेगा। तो अब फिर चेक करेगा इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड एवरेज लेस देन 50, यानी कि 40 और 50 के बीच में अगर है तो ये प्रिंट कर देगा थर्ड। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो लास्ट में मैच करेगा इफ एवरेज लेस देन 40, अगर एवरेज 40 से लेस है तो प्रिंट कर देगा फेल। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट करते हैं हम प्रोग्राम्स को, इस तरह से आउटपुट देगा। अगर इसी को हमें बिना लॉजिकल ऑपरेटर्स के करना होगा तो देखिए कैसे करेंगे। तो सिंपल मैंने कंडीशंस लगाई हैं, ये बाकी सब सेम ही रहेगा। तो यहाँ देखिए इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 अगर है तो फर्स्ट प्रिंट कर दे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स में जाएगा, और एल्स में जाके फिर कंपेयर करेगा इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, अगर 50 से अबव है तो ये प्रिंट सेकेंड डिवीजन कर देगा, अगर यहां भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट एल्स में जाएगा, फिर चेक करेगा क्या एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो ये प्रिंट थर्ड कर देगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये एल्स में जाएगा, सीधा फेल प्रिंट कर देगा। तो हम इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके बनाएंगे, और विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके हम कैसे बनाते हैं, तो दिस इज द वे। तो चलिए अब हम इनको रन करके भी देख लेते हैं कि क्या हम एग्जीक्यूट सही कर रहे हैं। तो ये है हमारा पहला प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको एग्जीक्यूट करके बताया, उनमें से पहला मैंने ये लिया हुआ है। तो देखिए सेम वैल्यूज़ है हमारे पास, सेम वेरिएबल्स हैं, सेम मैंने कंडीशंस लगाई हैं, तो इनको हम रन करके देखते हैं। अभी ए बी सी तीन वेरिएबल हैं, तो 25 लार्जेस्ट हैं तीनों में, तो 25 आंसर आना चाहिए। तो देखिए कंट्रोल F9 या ऑल्ट R करके रन कर ले, देखिए 25 इज लार्जर, तो ये आउटपुट बिल्कुल सही है इस प्रोग्राम का। चलिए अब हम नेक्स्ट वाले का चेक करते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ बनाया था हमने, सेम वेरिएबल्स लिए हैं, स्कैन किए हैं वैल्यूज, एवरेज कैलकुलेट किया, प्रिंट कराया, फिर अकॉर्डिंग टू एवरेज कंपेयर करेगा और स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो देखते हैं चलिए क्या आउटपुट देता है इसका भी। सेम प्रोग्राम है, सेम कंडीशंस मैंने लगाई हुई हैं जो आपको अभी समझाई। यस, देखिए हमें 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालने हैं इसमें। तो सपोज आपने मार्क्स डाल दिए 4 सब्जेक्ट्स के दिस, तो एवरेज इसका है 74। देखिए एवरेज आया इन मार्क्स का 74, तो ग्रेटर देन 60 है तो फर्स्ट डिवीजन डिस्प्ले कर दिया। देखो इसी को ही अगर हम दोबारा से रन करते हैं और इसके जो हम वैल्यूज़ हैं, जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, वो थोड़ा कम देंगे, तो देखिए अब देखिए बिलो 40 है, 40 से बिलो हमने पीछे कंडीशन बनाया था, स्टेटमेंट प्रिंट कराया था फेल, तो देखिए 40 से बिलो फेल डिस्प्ले कर रहा है, इट मींस हमारा एग्जीक्यूशन ये प्रोग्राम भी सही है। तो चलिए एक और हमने जो बनाया था बिना लॉजिकल ऑपरेटर्स के, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये है आपका सेम है आपका, इसमें सेम वेरिएबल्स लिए हैं, स्कैन किए हैं वैल्यूज, एवरेज कैलकुलेट किया है, एंड देन विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स के हमने इफ कंडीशंस का यूज किया है। तो देखिए इसको भी रन कर लेते हैं, इसमें भी हमें 4 सब्जेक्ट के मार्क्स डालने होंगे। देखिए 55 है, यानी कि बिलो 60 और ग्रेटर देन 50, तो क्या कंडीशन
क्या स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, सेकंड डिवीजन। तो सेकंड इट मींस हमने जितने भी प्रोग्राम्स पीछे एग्जीक्यूट किए सभी सही किए हमने और अच्छे से समझे। तो ये था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन को भी क्लिक करें टू रिसीव लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।